सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड के बारे में। अब आप लोगों के जैक डेली के सारे राउंड्स खत्म हो गए हैं, फिफ्थ राउंड का रिजल्ट भी कल आया है। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को जो उनकी पसंदीदा ब्रांच थी वो जरूर मिल गई होगी, और जिनको नहीं भी मिली है, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वो अभी भी स्पॉट राउंड के पीछे बैठना चाहते हैं, स्पॉट राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका किसी वजह से जैक डेली के अंदर से एडमिशन कैंसिल हो गया था, क्योंकि अब आप लोगों को दोबारा चांस मिलने वाला है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉट राउंड क्या होता है। तो स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड होता है जो हर एक जैक डेली एस्पिरेंट को दोबारा मौका देता है अपने पसंदीदा कॉलेज में जाने का। मतलब अब आपको शायद कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच तो नहीं मिलेगी, बट यस DTU, NSUT, IGDTU जैसा टैग जरूर मिल सकता है। किस तरीके से होता है, अब की बार आपका स्पॉट राउंड होने वाला है DTU में। अब DTU को सिनेरियो में आपको ढंग से समझाता हूँ कि होता क्या। देखो, सबसे पहले ना आपकी एक वेकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी। उस लिस्ट को आने के बाद आपको घर से ही एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना के लेके जाना है कि ये अब देखो सीट्स वेकेंट्स किस तरीके से होती है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कॉलेजेस के नाम लिखे होंगे, उसके अंदर कितनी सीट्स वेकेंट है ये लिखी होगी, फिर किस ब्रांच में कितनी सीट्स वेकेंट होगी ये लिखा होगा, फिर किस कैटेगरी के लिए कौन सी सीट वेकेंट है ये भी लिखा होगा। कैटेगरी मतलब स्पॉट राउंड में भी कैटेगरी चलती है, मतलब दिल्ली का कोटा भी चलता है, आउटसाइड दिल्ली का भी चलता है, और उसके अलावा आपका SC ST OBC EWS जितने भी आपके बाकी के कोटा होते हैं वो सब इसके अंदर चलते हैं। तो जिनकी SC ST कैटेगरी से कोई भी रैंक हो उनके काफी हाई चांसेस होते हैं स्पॉट राउंड में एडमिशन होने के। अब मैं ढंग से समझाता हूँ क्या होता है। अब आपकी वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका कौन से कॉलेज में आपकी रैंक के हिसाब से पिछले राउंड के हिसाब से अब की बार आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो आपको घर से एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना के लेके जाना है, एक पेपर पे लिख के वहां जाके उस प्रेफरेंस ऑर्डर को वहां पे दे देना है कि हमारा ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, हमें ये ब्रांचेस इस ऑर्डर में चाहिए। अगर आपकी रैंक इस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से ठीक होगी, अप्रोप्रिएट होगी, अमंगस्ट देम सबसे अच्छी होगी, तो आपको वो ब्रांच दे दी जाएगी। अब ब्रांच आप लोगों को किस हिसाब से मिलेंगी वो भी अच्छे से समझाता हूँ। अब BR ऑडिटोरियम में आप लोगों का स्पॉट राउंड होता है। अब वहां पे आप लोगों का ऑडिटोरियम बना हुआ है, सामने स्टेज बना हुआ है, पीछे स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स आ रही होगी कि आपकी इस कॉलेज में ये ब्रांच है इस कैटेगरी के लिए। माइक पे अनाउंस कर रहे होंगे 50,000 से लेके 60,000 के बीच में जो भी जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन का बच्चा हो वो स्टेज पे आए, वो स्टेज पे जाएगा, उसको वहां पे सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे, और उसको अगर सब कुछ सही हुआ तो वो ब्रांच दे देंगे। फिर उसके बाद दोबारा राउंड चलेगा, 60,000 से लेके 70,000 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे स्टेज पे, अमंग्स देम जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको वहां पे ले लेंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसको वो ब्रांच दे देंगे। अब इसके अंदर एक इंटरचेंज भी होता है, इंटरचेंज में आपको ढंग से समझाता हूँ क्या होता है। अब मान लो आप जनरल कैटेगरी के और वहां पे SC कैटेगरी के आवाज लगा रहे हैं कि SC कैटेगरी के इस रैंक से लेके इस रैंक तक के बच्चे हो, SC कैटेगरी का बच्चा कोई भी नहीं है, फिर SC कैटेगरी को बुलाएंगे कि SC कैटेगरी का कोई भी इस रैंक से लेके इस रैंक तक का बच्चा है वो भी नहीं है, OBC को बुलाएंगे OBC का भी नहीं है, EWS को बुलाएंगे उसका भी नहीं है, फिर जनरल का नंबर आएगा और जनरल में अमंगस्ट बाकी सबके बीच में से आपकी सबसे अच्छी रैंक होगी तो आपको वो सीट दे दी जाएगी। आई होप आपको इंटरचेंज समझ आया होगा किस हिसाब से होता है। ST, SC, OBC, उसके बाद होता है आपका EWS शायद, और उसके बाद होता है जनरल, ठीक है। इस हिसाब से आपका इंटरचेंज चल रहा होता है। इसके अंदर अब आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली कैटेगरी का भी चल रहा होता है, वो भी आपको वहां जाके पता चल जाएगा। अब देखो मेरे हिसाब से तो स्पॉट राउंड में सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, कुछ नहीं पता किस्मत का, स्पॉट राउंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी की सीट अगर नहीं हो वहां पे कोई बच्चा ना हो तो वो सीट आपको मिल जाती है, इतने हाई चांसेस होते हैं स्पॉट राउंड में सीट मिलने का। तो मेरे हिसाब से तो सारे स्टूडेंट्स को भले उनका 1% चांस हो लेकिन तब भी उनको स्पॉट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ जाना तो है नहीं आपका, आपको अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहां पे जाके बैठ जाना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपकी रैंक कॉल हुई, तो आप वहां जाके उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो भी आपको जैक दिल्ली स्पॉट राउंड में लेके जाने हैं उसके लिए यहाँ आई बटन में वीडियो आ गई होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अच्छे से समझाए हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक सीट अलॉटमेंट लेटर होगा और आपकी पेमेंट की रिसिप्ट होगी, वो आपको नहीं मिलेगा और वो आपको लेके भी नहीं जाना, आपको उसकी जगह अपना एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना है। अब बच्चों की बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, तो डिमांड ड्राफ्ट को हम DD कहते हैं और वो DD आपके रिस्पेक्टिव बैंक से मिलता है। अब आपको उसके ऊपर एक नाम लिखवाना होता है जिसके लिए भी आप वो इशू करा रहे हो, जैसे आप जैक दिल्ली के लिए करा रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर नाम होता है जैक दिल्ली एडमिशन 2024, वो उसके ऊपर आपको लिखवा के उसको ले लेना है, और जब आपका एडमिशन होगा तो आपको अपनी फीस की जगह वो दे देना है, तो उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा।
अब डीडी बनता कैसे है, आपको अपने बैंक में जाना है, बैंक में जिसमें भी आपका अकाउंट है वहां बोलना है मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बैंक अपने अकाउंट में पैसे मंगाएगा, वो डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके देगा आपको, नहीं तो आपके अकाउंट से ही एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके देगा, लेकिन आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा उसका 95,000 प्लस कुछ टैक्सेस होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। अब मान लो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ और आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले गए, तो क्या वो 95,000 रुपीज बर्बाद हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, आपको वापस अपने बैंक में जाना है और बताना है कि मेरा ये डिमांड ड्राफ्ट यूज नहीं हुआ है, तो आपका वो डिमांड ड्राफ्ट दोबारा आपके अकाउंट में भेज देंगे पैसे कुछ काट के, और आपके वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, 1,000-2,000 रुपए लगेंगे आप लोगों के बनवाने में और वापस करवाने में। तो मैं तो कहूंगा इतने अच्छे कॉलेजेस हैं जैक दिल्ली के, सबका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो 1,000-2,000 रुपए मत देखना, जरूर अप्लाई करना स्पॉट राउंड में, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, सारी चीजें लेके जाना। बाकी अब आप लोगों की ओरिएंटेशन भी होने वाली है, कॉलेज भी शुरू होने वाला है और भी नई नई चीजें होने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब जो बच्चे ये सोच रहे हो कि भैया हमें तो फिफ्थ राउंड में हमारी मन पसंदीदा ब्रांच अभी तक नहीं मिली, उनके लिए भी अभी इंटरनल अपग्रेडेशन का एक चांस है, उसमें हाई चांसेस है कि आपको शायद एक और ब्रांच अपग्रेड करने का मौका मिल जाए, जो आपने इससे ऊपर भरा होगा उसका मौका मिल जाए। तो इसलिए अभी धैर्य रखो, अभी सब्र रखो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको जो ब्रांच जिस भी कॉलेज में चाहिए वो आपको मिल जाए। बाकी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट की जो मैं अब रैंक्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से रैंक है, तो आपको जरूर जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में अप्लाई करना है, काफी हाई चांसेस है कि आपका जैक दिल्ली के अंदर इस बार एडमिशन हो जाए। मैंने काफी रिसर्च करी है, काफी चीजें करी है, देखो वैसे तो स्पॉट राउंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट यस जिनकी भी रैंक इतने बीच में लाए करी जितना मैं बताऊंगा, आपको स्पॉट में जरूर अप्लाई करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो और दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो 1,00,000 से लेकर 1,20,000-25,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको स्पॉट राउंड में जरूर अप्लाई करना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी है आपका एडमिशन हो जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में, भले ब्रांच अच्छी ना मिले बट यस एडमिशन जरूर हो जाएगा। उसके बाद 90,000 से लेके 1,00,000 तक जिस भी बच्चे की आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी में रैंक है जनरल, वो जरूर स्पॉट राउंड में अप्लाई करे। एससी कैटेगरी में आपकी 5,00,000-6,00,000-7,00,000 दिल्ली रीजन में कितनी भी रैंक हो जरूर अप्लाई करना, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई ब्रांच आपको जरूर मिल जाए। वहीं आउटसाइड दिल्ली की अगर हम बात करें तो 2,50,000 से लेकर 3,00,000 तक अगर आपकी रैंक है आउटसाइड दिल्ली एससी कैटेगरी, तो आपको जरूर अप्लाई करना है, हाई प्रोबेबिलिटी है आपका भी एडमिशन हो जाए। एसटी कैटेगरी वालों के मजे हैं, आपकी कोई भी रैंक हो कहीं से भी हो, आप चाहे एससी, चाहे आप दिल्ली रीजन से हो, चाहे आप आउटसाइड दिल्ली रीजन हो, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपको सीट मिलने की, तो आपको किसी भी रैंक पे चाहे 1,00,000 रैंक हो आपको तब भी अप्लाई कर देना, शायद आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, अगर आप दिल्ली रीजन से 3,00,000 से ऊपर रैंक लेके आ रहे हो, 3,00,000 तक रैंक लेकर आ रहे हो, 3,10,000 तक, तो आपको जरूर अप्लाई करना है। और वहीं आउटसाइड दिल्ली ओबीसी कैटेगरी 1,00,000 से लेके 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको भी उसमें जरूर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो दिल्ली रीजन 3,30,000 से लेके 3,50,000 तक आपकी रैंक है तो आपको स्पॉट राउंड में जरूर जाना है। वहीं आउटसाइड दिल्ली 60,000 से लेके 70,000 तक अगर आपकी रैंक है आउटसाइड दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपको भी जरूर अप्लाई करना है। बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, कुछ रह गए हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ पे बात कर लेना, किसी को अपनी काउंसलिंग करनी हो, फ्री में करानी हो, बात करनी हो, डिस्कशन करनी हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों की वो करेंगे, आपसे भी मैं पर्सनली भी बात कर सकता हूँ, और अगर ज्यादा सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हम एक गूगल मीट रख लेंगे, उसमें 1-to-1 आपसे बात करके आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हल कर देंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।